एक गांव में अनाथ भाई बहन रहते थे, रानी और राजा। दोनों के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और अब ये दोनों अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेले जिंदगी गुजार रहे थे। गांव वाले उन्हें कभी मदद नहीं करते थे। रानी और राजा अपने रोज की जरूरतों के लिए दिन भर खेत में काम करते, लेकिन फिर भी पैसे इतने नहीं बचते कि वो पेट भर खाना खा सके। एक दिन रानी ने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते में बैठी थी और थक कर नीचे गिरने वाली थी। अम्मा, आप ठीक है ना? क्या हुआ आपको? बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ और प्यासी भी हूँ। रानी और राजा ने तुरंत उस बूढ़ी औरत को उठाने में मदद की और अपने घर ले गए। अम्मा, आप हमारे छोटे से घर में आराम कर सकती हैं, थोड़ा पानी ले लो और हम कुछ खाने का इंतजाम भी कर देते हैं। बूढ़ी औरत ने पानी पिया और उन दोनों की तरफ प्यार भरी नजर से देखने लगी। तुम दोनों ने मेरी मदद की बिना किसी मतलब के, तुम दोनों कितने अच्छे और निर्दोष हो। रानी और राजा ने हल्का सा मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने बूढ़ी औरत के लिए एक रोटी और सब्जी बनाई और उसके सामने रखा। तुम्हारे पास कुछ ज्यादा कुछ नहीं, फिर भी तुमने मुझे खिलाया। अम्मा, हमारे पास जितना है वो आपके साथ बांट सकते हैं हम। बूढ़ी औरत को उनकी बातें सुनकर बहुत प्यार आया। जब उसने खाना खा लिया और आराम कर लिया तब वो जाने को उठी, लेकिन जाने से पहले उसने अपनी पोटली से दो चमकदार चाबियां निकाली, एक सोने की और एक चांदी की। मेरे प्यारे बच्चों, ये तुम्हारे अच्छे दिल का इनाम है, ये दोनों चाबियां तुम्हारे काम आएंगी। एक सोने की और एक चांदी की चाबी है, और जब तुम इनका इस्तेमाल अपनी रसोई में करोगे तो तुम्हें अपनी मदद के लायक सब कुछ मिल जाएगा। अम्मा, ये तो बस आपका प्यार है, हम तो सिर्फ आपकी मदद कर रहे थे। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, उन दोनों को आशीर्वाद देकर चली गई। रानी और राजा ने सोचा कि वो चाबियां रख लेते हैं और जब जरूरत होगी तब देखेंगे क्या होता है। रात को जब उन दोनों को भूख लगी तो रानी ने कहा, भाई क्यों ना हम चाबी का इस्तेमाल करें, देखे तो सही, शायद हमें कुछ खाने को मिल जाए। राजा मान गया। पहले उसने सोचा कि चाबी रसोई के दरवाजे में घुमा दी जाए। अचानक पूरी रसोई सोने से चमक उठी। सोने के बर्तन, सोने के चूल्हे और सोने के चौका, सब कुछ सोने का हो गया। दीदी दीदी, ये तो जादुई रसोई है, देखो सब कुछ सोने का बन गया। रानी खुशी से उछल पड़ी। उसने देखा कि रसोई में बस सोने से भरा खाना बन रहा है। जो कुछ उनके मन में आया वो तुरंत बर्तन में तैयार हो गया। गरम गरम रोटी, सब्जी, चावल और मीठा सब कुछ। उन्होंने पेट भर के खाना खाया। फिर रानी ने कहा, अरे वाह, ये तो पूरा सोना है। राजा, आप चांदी की चाबी ट्राई करते हैं, देखे इसमें क्या होता है। जब राजा ने चांदी की चाबी रसोई में लगाई तो पूरी रसोई चांदी से चमकने लगी। सब कुछ चांदी का हो गया, बर्तन, चौका, चूल्हा, चांदी की रसोई में वही जादुई असर था। जो भी खाने के सोचते तुरंत मिल जाता था, लेकिन यहाँ सोने की तरह और भी कई चीजें थी जो बस सोचने से बन सकती थी। मिठाइयाँ, फल, कपड़े और पैसे भी। ये सब देखकर उन दोनों की आंखों में खुशी से चमक उठी। दोनों ने पेट भर खाना खाया और अपने लिए नए कपड़े मांगकर पहन लिए। दीदी, ये तो सच में जादू है, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। उन्होंने सब कुछ जैसे सोचा वो पा लिया और अगले कुछ महीनों में वो अमीर हो गए। अब वो रोज अपनी जादुई रसोई में से जरूरतमंद लोगों के लिए खाना और कपड़े बांटते और गांव के गरीब लोगों में बहुत कुछ देते। धीरे धीरे वो पूरे गांव में मशहूर हो गए अपने दयालु दिल और खुले हाथ से मदद करने के लिए। लेकिन गांव के सबसे बड़े सेठ लाला हरिचंद को इनके बारे में पता चला तो उसका दिल जलन से भर गया। उसने सोचा,
ये दो अनाथ बच्चे तो इतने अमीर कैसे हो गए? जरूर कोई बड़ी बात है। अगर इनके पास कुछ खास चीज है तो वो सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस गांव का बड़ा सेठ हूँ। एक रात लाला हरिचंद चुपके से रानी और राजा के घर में घुस गया और वो दोनों चाबियां चुरा ली। सुबह जब रानी और राजा उठे तो उन्होंने देखा कि चाबियां गायब हैं। भाई, चाबियां गायब है, कोई हमारे घर में आया और ये चुरा कर ले गया। ये जरूर लाला हरिचंद का काम है, उसके अलावा और किसी ने देखा हमारे पास ये चाबियां हैं? भाई, बूढ़ी अम्मा ने कहा था लालची लोगों के लिए ये चाबियां सही नहीं हैं। हम इंतजार करेंगे। रानी और राजा ने लाला हरिचंद का इंतजार किया, लेकिन वो सब कुछ चुराने के बाद उन्होंने इग्नोर कर रहा था। दूसरी तरफ लाला हरिचंद ने चाबियां ले जाकर अपने घर के रसोई में लगा दी। पहले उसने सोचा कि चाबी रसोई में लगाया जाए, वो पूरी रसोई सोने से चमकने लगी। लेकिन ये क्या, अचानक ही हर तरफ से जहरीले सांप निकलने लगे जो सोने के बर्तन और चूल्हे के बीच में घूमने लगे। अरे ये क्या हो गया, ये सांप कहाँ से आ गए? उसने जल्दी से चांदी की चाबी लगाई, लेकिन तब भी सांप नहीं गए। पूरी रसोई चांदी से भर गई। सांप के साथ अभी बिच्छू और बहुत सारे जानवर भी वहां आ गए। एक सांप ने लाला हरिचंद को पूरी तरह लपेट लिया। तुमने ये चाबियां चुराई हैं, तुम लालची और दुष्ट हो। ये रसोई तुम्हारे लिए नहीं बनी है। सांपों के बोलते ही लाला हरिचंद के पसीने छूट गए। और मुझे माफ करो, मैं वो चाबियां वापस देने जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। वो दौड़ता हुआ वापस रानी और राजा के घर गया। उसने वहाँ पहुंचकर घबराते हुए वो चाबियां वापस कर दी। अब बच्चों मुझे माफ कर दो, मेरे लालच ने मुझे अंधा बना दिया था, मैं कभी इतना लालची नहीं बनूंगा, वादा करता हूँ। ये लो तुम्हारी चाबियां। रानी और राजा बहुत अच्छे बच्चे थे, उन्होंने लाला को माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने तय किया कि आज से वो चाबियां किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ जरूरतमंद की मदद करते रहेंगे बिना जादू के सहारे। उन्होंने गांव के गरीब लोगों को बिना किसी जादू की मदद के खाना देने का इंतजाम जारी रखा और खुशी से रहने लगे।